तेजस्वनावदीद वस्तु मा विद्दिशावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम् सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगंभीरदै। ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति। जनाब सदर जलसा स्टेज पर तशरीफ फरमा, कौम मिल्लत के मुअज्जज मुस्तनद हजरात उलमाए किराम और इस पिंडाल के नीचे बैठे हुए हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उत्तराखंड की सरजमीन पर पहली बार हाजिरी का मौका अता किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से हज़रत मुफ्ती साहब का, अराकीन जलसा का, गाँव वालों का शुक्रगुजार। बताए हुए तरतीब के मुताबिक इस प्रोग्राम को सजाया, ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। अल्लाह से हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला इस जलसे को, इस मजलिस को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का जरिया बनाए। हजरात मोहतरम, मदरसे के बैनर तले और मदरसा दुनिया के अंदर किसी और मजहब और धर्म में नहीं पाया जाता, सिर्फ मजहब इस्लाम में मदरसे का वजूद है। और इन मदरसों के जरिए से कौम मिल्लत और शरीयत के अलम बरदार पैदा होते हैं। और ये मदारिस ऐसा नहीं है कि 1866 में देवबंद की सरजमीन पर दारुलूम की बुनियाद रखी गई तो वहाँ से पूरे भारत में, पूरे एशिया महाद्वीप में अंग्रेज के ज़माने से इसका वजूद हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसका वजूद और इसका सबूत दार अरकम मक्कतुल मुकर्रमा में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ पर सुफ़ा नाम का चबूतरा बनाकर मदरसे की एक मजबूत बुनियाद डाली गई। वहाँ तकरीबन सहाबाए किराम पढ़ने वाले तालिबे इल्म होते थे उस सुफ़ा मदरसे में, और भूखे प्यासे रहकर वो कुरान और शरीयत की तालीम हासिल करते अल्लाह के नबी से। उनका उस्ताद, उनका मुअल्लिम और उनके रहबर गाइडर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे। और कोई दूसरा मकसद नहीं था बल्कि सिर्फ अल्लाह के तरफ से जो पैगाम और जो वही और जो ऑर्डर अल्लाह के नबी को दिया जाता है वो कैसे दूसरों तक पहुँचे। जब तक एक शख्स नहीं जानेगा, नहीं सीखेगा, दूसरों तक कम्प्लीटली वो उस मैसेज को नहीं पहुंचा सकता। ये निज़ाम अभी से नहीं है, मदरसों का निज़ाम, मदरसे का इसका वजूद, इसका इस्टेब्लिशन बहुत पहले से, लेकिन हर ज़माने में इसके मुखालिफ रहे हैं इन मदारिस के। और तहकीक और इन्वेस्टिगेशन होती रही है कि इन मदरसों में होता क्या है। जब वो बहुत ज़्यादा तहकीक कर चुके होते हैं तो आखिर में ये जजमेंट देते हैं
कि हाँ इन मदरसों में कुछ नहीं, सिर्फ ये अपने अल्लाह और उसके रसूल की तालीम देते हैं, قال اللہ قال رسول की बात होती। कुछ लोगों को जब शक होता है कि कुरान की आयात बच्चों को पढ़ाते हैं और उन आयात में न मालूम कैसे कैसे ऑर्डर हैं, किसी को मारने का, काटने का, या जिहाद का, या बहुत सारी गलत फहमी, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनको, लेकिन जब वो तहकीक करते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। क्यों इन मदरसों का वजूद, अल मदरसा मदरसतुन, इसमें ज़र्फ है, जहां पर सिखाया जाता है, जहां पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है क्या अल्लाह का क्या हुक्म है, कुरान में रब ने क्या कहा। नहव सर्फ समझते समझते, पहचानते पहचानते, तारुफ होते करते कराते 3 साल का जमाना गुजर जाता है, अरबी अव्वल, दोम, सोम, चहारुम तक। नहव और सर्फ, दिस इज ए ग्रामर, अरबिक ग्रामर, टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड द कुरान एंड हदीस डीपली। सिर्फ सीखने में लग जाता है और कोई दूसरा मकसद नहीं होता, और ये जरूरी भी है। इन्हीं मदरसों की वजह से आज हमारा अकीदा प्योर है, प्योर। बहुत सारी आंधियां आई शिर्क व फसाद के, लेकिन इन मदारिस से पैदा होने वाले उलमा इस्लाम ने हमेशा उनका मुकाबला किया और कर रहे हैं, टू द डे ऑफ जजमेंट करते रहेंगे। दुनिया लाख कोशिश कर ले, दुनिया लाख मेहनत कर ले बदनाम करने के लिए इन मदरसों को, ये मदरसा बदनाम नहीं हो सकता, ये मदरसा खत्म नहीं हो सकते, जितने भी मदारिस है। क्यों? यहां पर कुरान की तालीम होती है, और कुरान दुनिया की वो किताब है जिसकी हिफाजत, सिर्फ यही एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह करता, बाकी किसी किताब की हिफाजत अल्लाह नहीं करता है। तौरात, ज़बूर, इंजील एंड दीस बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स, हैज बीन सेंट डाउन टू द अर्थ फ्रॉम अल्लाह सुबहानहु व तआला, अल्लाह की तरफ से ये भी किताबें नाजिल की गई हजरत मूसा को, हजरत तौरात, तौरात हजरत ज़बूर, इंजील हजरत ईसा को, ज़बूर हजरत दाऊद को, तौरात हजरत मूसा को। अल्लाह का, अल्लाह की किताब वो भी है, लेकिन अल्लाह ने उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी में नहीं ली। आई सेंड टू यू एंड दिस ऑथेंटिक बुक एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दिस बुक, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। ए मूसा, तुमको तौरात दे रहा, कौम को बताना मैं क्या चाहता हूं, लेकिन इसकी हिफाजत भी तुम्हें करना। इंजील ईसा, पैगाम यही दिया गया। जबूर हजरत दाऊद, यही पैगाम दिया गया वहां पे भी, लेकिन जब कुरान की बारी आती है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी पढ़ते थे कि कहीं पहली किताबों के इतना मैं भूल ना जाऊं और उसमें कोई तब्दीली ना हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जल्दी मत कीजिए, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, आप पढ़ने में जल्दी मत कीजिए मोहम्मद। क्यों? आप ये मत सोचिए कि आप भूल जाएंगे, कोई आयत आपसे छूट जाएगी, वो फिर जाए, वो आयत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरा कलाम है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हम इसको जमीन पर उतार रहे हैं, हम में पूरी ताकत दिखाई दे रही है, हम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, ताकीद दर ताकीद। उलमा बैठे हैं, आपको ज्यादा तफसील से समझा सकते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं अरबिक ग्रामर में, जब आता है उससे सख्ती और ताकीद का पता चलता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इसको उतारा, हम नाजिल कर रहे हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं। ऐ मोहम्मद, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी, बल्लिगु अन्नी वलो आया है, पहुंचाओ लोगों तक, पैगाम पहुंचाओ।
इसकी हिफाजत दुनिया के तमाम फिरके बातिला से, दुनिया के तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसीडर, और इस कुरान को रिमूव करने वाले, इस कुरान में तब्दीली करने वाले, खत्म करने वाले, उन सब से इसकी हिफाजत मैं काफी हूं। आप फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ इसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाइए, मैं काफी हूं, देखता हूं कौन आता है सामने। इसीलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को 1450 साल पहले जिस सूरत में, जिस शक्ल में, जिन अल्फाज के साथ ये कुरान नाजिल हुआ था, उन्हीं अल्फाज के साथ ये कुरान अगर कहीं पढ़ाया जाता है तो वह हमारे मदारिस इस्लामिया। कभी कभी कुछ इलाकों में मदरसों को बहुत हल्के में ले लेते, एतराज क्या करते हैं मौलाना, आई एक्सेप्टेड, हम मानते हैं आपकी बात को कि आपका कुरान ग्रेट है एंड आपकी नबी आखिरी नबी वो भी महान है, लेकिन अब तो वो पुराने हो गए ना, आपका कुरान भी पुराना हो चुका है 1450 साल पहले, और हर पुरानी चीज लोग पसंद नहीं करते। आपके हाथ में मोबाइल है, पहले कौन सा मोबाइल था, नोकिया का, उससे पहले क्या था, वो फोन वायर वाला फोन था, एक हाथ में मुंह में लगाते थे बोलने के लिए, कान में अलग से दो रिसीवर बोलने और सुनने के लिए, लेकिन जमाने ने तरक्की, दुनिया आगे बढ़ती गई, वो सारी पुरानी चीजें खत्म हो गई, नई चीज एक नया मोबाइल आपको दिया, स्क्रीन टच, आप बोलिए तो कोई भी चीज वहां पर रिसीव हो सकती है, आप कुछ भी आप आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, कोई भी पुरानी चीज इस्तेमाल नहीं करता है, क्यों, एंड दिस थिंग इज ऑल, पुरानी हो चुकी है चीज खत्म करो, इसको बंद करो, नई चीजें, कुल्लू जदीद लजीज, नई चीजें अच्छी होती है, उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए अब दुनिया वालों ने कुरान को गलत नहीं, अब ये कहने लगे हैं कि ये कुरान ठीक है, आई एक्सेप्ट इट एंड 100% एंड 101% द कुरान एंड दिस इज अ कमांड ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का ऑर्डर है, लेकिन 1450 साल पहले की ये पुरानी किताब है, आधुनिक बनना है, आगे बढ़ना है, तो कुरान अब इस जमाने में कारगर या मुफीद नहीं हो सकता। देयरफोर हम आपको इसीलिए मशवरा देते हैं, जो इश्काल करने वाले ये कुरान को छोड़ दीजिए। क्या आप लोग आज इस आधुनिक मॉडर्न जमाने में कुरान को लेकर चल रहे हैं, मदरसे की बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की बात करते हैं, अल्लाह के नबी भी पुराने लीडर थे। देखिए ना, हम लोग आज फना ऋषि मुनि को या फना महाराज को या फना किसी प्रोफेसर को नहीं मानते, अब नया नई टेक्नोलॉजी मॉडर्न साइंस को मानते हैं, क्यों, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए मुसलमानों, तुम इस देश में क्यों पीछे हो, क्योंकि तुम कुरान हदीस की सिर्फ बात करते हो, कुरान सुन्नत की बात करते हो, मदरसे की बात करते हो, तुम्हारे कुरान में कहां तरक्की की बातें हैं, अल्लाह के नबी की जिंदगी में कौन सा मेथड है कि जो आज अप्लाई करके तुम आगे बढ़ सकते हो। इसलिए बंद करो, इन मदरसों में ताले लगाओ, आगे बढ़ो हमारे साथ, लोगों का ये कहना है। वो कहते हैं कि द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट लीडर इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर कायद रहबर रहनुमा नहीं हो सकता। आई नी ही एक्सेप्टेड, मानता हूं इस बात को, लेकिन अभी के लिए नहीं, 1450 साल पहले के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, 1450 साल पहले कुरान नाजिल हुआ, तब के लिए था, अभी नहीं। इसीलिए अब खुदा के वास्ते कुरान छोड़िए, मदरसा छोड़िए, मस्जिद छोड़ो, मैदान में निकलकर तरक्की की बात करो। अब ऐसे ऐसे एतराजात होते,
लेकिन मैं इंशाअल्लाह आपके सामने मैं यही साबित करूंगा कि अल्लाह का कुरान 1450 साल पहले, जिन्हें तुम ओल्ड और पुराना कहते हो, जिन अपनी आधुनिक ताकतों के साथ कुरान नाजिल हुआ था, उनसे कहीं ज्यादा आज और आज से कहीं ज्यादा 500,000 साल बाद अगर ये दुनिया जिंदा रही, अगर ये इस दुनिया की उम्र रही, तो तब भी कुरान और अल्लाह के नबी और इन मदरसों से ऐसे ऐसे आविष्कार और कारनामे वजूद में आएंगे कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि हमारे उलमा किताबों में लिखी हुई तहकीक की हुई किताबें रखी हुई हमारे उलमा की अब मंच पे नहीं बोलते हैं, तो बोलो क्यों समझते हैं कि नहीं ये मजहब ऐसा है जो सिर्फ धर्म की बात करता है, नमाज की बात करता है। कुरान देख लो, नमाज हज है ज़कात है, कुरान में कहीं पर दिखा दीजिए जी साइंस है। ऐ मुसलमानों, कुरान की बात करते हो दिखा दो, तुम्हारे कुरान के अंदर में कहीं पर आधुनिक कहीं पर विज्ञान है, डॉक्टरेट है, मैथमेटिक्स है, गणित है कुरान में। तो हमारा और आपका पढ़ा लिखा बच्चा होगा अगर ढंग का, इंशाअल्लाह वो जरूर दो टोक लफ्जों में जवाब देगा कि ये कुरान वो किताब है जो सिर्फ 1450 साल पहले के लिए नहीं था। ये कुरान हर जमाने में, हर मोमेंट में, हर लम्हे में काम आ सकता है। इफ यू नीड, इफ यू कंसीडर दिस कुरान करीम, अगर तुम इस कुरान को और इन मदरसों की तारीख को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये कुरान क्या कहता है दुनिया वालों से। सिर्फ नमाज की आर्डर के ऊपर आयतें नहीं है इस कुरान में, सिर्फ जकात के ऊपर बात नहीं की गई, सिर्फ रोजे की फर्जियत के ऊपर कुरान में आर्डर नहीं है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, या सिर्फ और दूसरे सूद को हराम नहीं करार दिया गया, या सिर्फ इबादत के लिए नहीं है कि घर में बैठकर कुरान करीम की तिलावत करवाएंगे, दुआ कर लेंगे, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। नहीं दुनिया वालों, दुनिया अगर तुझे मालूम नहीं है तो जान ले ये कुरान पढ़कर हम जितना रब से सवाब हासिल कर सकते हैं उतना इस कुरान के ऊपर गौर और फिक्र करके दुनिया के अंदर हम तरक्की भी कर सकते हैं और किया है। कुरान पढ़ने वालों ने बड़े महान काम किए हैं, मैं हिस्ट्री आपके सामने भी आपके पास रखूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग मदरसा चलाते हैं, आप लोग यहाँ पर कुरान की तालीम देते हैं, यहाँ पर भी बड़े लंबे लंबे वो माइक वाले पहुंच जाएंगे, कैमरे वाले, ये कैमरा देख के सामने इब्ने हैसम कबर आया हुआ जो कुरान का तालिबे था, पूछो कि इसका लेंस किसने बनाया, इब्ने हैसम कौन था, इब्ने हैसम द एजुकेशन ऑफ पीक्स, चश्मे की बुनियाद इसके ऊपर खोज करने वाला कोई प्रोफेसर नहीं था। कुरान पढ़ने वाला, मदरसे से पढ़कर निकलने वाला एक तालिबे इल्म जिसको दुनिया इब्ने हैसम के नाम से जाने, मेड इन चाइना नहीं है, वालक से उसके पार्ट्स बनते हो, लेकिन इसकी बुनियादी चीज, कैमरे की मेन चीज लेंस होता है उसका। मोबाइल के अंदर भी देखेंगे आप, इसको वजूद बख्शने वाला अगर कोई लाल है तो मदरसे से पढ़ करके निकला है। स्टीफन ब्रेड हार्डली की रिपोर्ट है ये, एजुकेशन ऑफ ऑप्टिक्स 336 सफे की ये किताब है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। बताइए, तो वही चीज में अभी लोग माइक लेके कैमरा लेके पहुंच जाए हमारे मदरसे में सर्वे के लिए, मदरसे में क्या होता। बस हम लोग इस बात पर ज्यादा बिलीव करते हैं कि हम अगर कुरान का एक लफ्ज पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, एक अर्थ पर हमें रब दसने की अता फरमाता है। हम इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि अगर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा तो मरने के दुनिया के अंदर उनका एहतराम होना भी चाहिए, होता भी है, सर पर दस्तार फजीलत बांधते हैं, और मरने के बाद क्या मकाम है दुनिया के किसी प्रोफेसर का हो सकता है, दुनिया के किसी इंजीनियर का हो सकता है वो मकाम, वो मर्तबा, वो फजीलत, वो अहमियत जो एक हाफिज कुरान का, हाफिज कुरान ओनली, सिर्फ हाफिज कुरान, कुरान के तजवीद से भी अगर वो वाकिफ ना हो,
कुरान की तफासीर से वाकिफ ना हो, अहकाम से वाकिफ ना हो, नो मैटर, सिर्फ कुरान का हाफिज बना, एंड ही रिमेंबर्ड बाई हार्ट ऑल कुरान करीम, सिर्फ कुरान करीम को सीने में बसाया है, तो मरने के बाद कितनी बड़ी फजीलत। दुनिया वाले किसी पीएम और सीएम को एहदा नहीं होगा कि मरने के बाद तुम अपने खानदान को 10 आदमियों को जन्नत में लेकर जाओ जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी। अगर ये सर्टिफिकेट अगर किसी को मिलेगा मरने के बाद, अगर ये किसी को किसी के हिस्से में ये चीज आती है, तो वो सिर्फ एक हाफिज कुरान होगा, दुनिया के किसी प्रेसिडेंट का नहीं हो सकता। ये सब चीजें तो आरजी है। खैर, हमारे कुरान पर एतराज करने वाले और मदारिस पर एतराज करने वाले बहुत हैं। हमें दुनिया के एतराज करने वालों की फिक्र नहीं करनी, हमें आगे बढ़ना। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जितने भी गुरु होते हैं वो काबिले सम्मान होते हैं। वो गुरु, हम गुरु बोलते हैं, हमारे बिरादराने वतन गुरु बोलते हैं, महाराज बोलते हैं, और हमारे यहाँ उनको आलिमे दीन बोला जाता है। उलमाए किराम के अल्फाज से हम लोग ताबीर करते हैं, और इनकी फजीलत है, जितने भी हमारे उलमाए किराम हैं काबिल सम्मान है, बिकॉज अल्लाह तबारक व तआला सेड इन द होली कुरान, अल्लाह ने कुरान में इनकी फजीलत बयान की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिस कम्युनिटी की तारीफ अल्लाह करे, समझ सकते हैं कि वो कम्युनिटी और वो जमात कितनी मुबारक हो सकती है। उलमा की तारीफ अल्लाह फरमाता, उसके बाद फिर अल्लाह के नबी भी, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि अल्लाह के नबी, व्हेन यू विल डाई, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपका काम, आपकी ड्यूटी कौन निभाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि डोंट वरी, परेशान मत हो, फिक्र मत करो, मेरे मरने के बाद, व्हेन आई विल डाई फ्रॉम हियर, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे बाद इस काम को बहुसन खूबी अगर कोई अंजाम दे सकता है और इसकी जिम्मेदारी किसी के कंधे पर आएगी, वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया होंगे इसके वारिस, जो काम मैं करके जाता हूं, जा रहा हूं, उलमा करेंगे इस काम। इसीलिए हम लोग उनको सम्मान देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा को हमारे गांव समाज में।